लखीमपुर खीरी केस में मंत्री पुत्र से यूपी पुलिस की पूछताछ आज, कड़े सुरक्षा बंदोबस्त। तेलंगाना में भारी बारिश से सड़कों पर आया सैलाब, नाले में बह गए दो लोग। कोरोना के 20,000 से कम केस मिले, एक्टिव केस भी 206 दिनों से सबसे कम। 70 साल बाद टाटा के कुनबे में एयर इंडिया की वापसी। मुंबई में डीजल 100 के पार, दिल्ली में भी पेट्रोल डीजल के रिकॉर्ड दाम। ड्रग्स केस में आर्यन खान की जमानत पर 4 घंटे सुनवाई पर नहीं मिल पाई बेल, जेल में रहना होगा। लखीमपुर खीरी हिंसाकांड पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, बिना सबूत गिरफ्तारी नहीं होगी। एक हफ्ते में दूसरी बार फेसबुक मैसेंजर इंस्टाग्राम में दिक्कतें, 6 घंटे परेशान रहे लोग। आरसीबी को एक गेंद पर चाहिए थे 5 रन, फिर केएस भरत ने जमा दिया छक्का, विराट की खुशी का ठिकाना ना रहा। मायावती करेंगी यूपी चुनाव अभियान का शंखनाद, काशीराम की पुण्यतिथि पर बीएसपी आज दिखाएगी ताकत।